माननीय अध्यक्षा महोदया, आपने शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर संभाग में कुल 32 विकासखंड हैं, तो अधिकतर विकासखंड मुख्यालय, जैसे वहाँ कोयलीबेड़ा विकासखंड हो गया, बड़े राजपुर विकासखंड मुख्यालयों में वहाँ बैंक की कोई सुविधा नहीं होने से वहाँ के आम जनता को दूसरे विकासखंडों में 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अपने बैंक का खाता खुलवाना हो, चाहे अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खुलवाने की बात हो, चाहे कृषि ऋण लेना हो, चाहे मनरेगा का भुगतान लेना हो और छात्रों को ऋण लेना हो, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए बैंक नहीं होने से दूसरे विकासखंडों में जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, वहाँ पर करीबन 32 विकासखंड है, तो अधिकतर विकासखंड मुख्यालयों में अब बैंक की सुविधा नहीं होने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बैंक की सुविधा किया जाए। और साथ ही साथ विकासखंड मुख्यालय और तहसील मुख्यालय एक साथ है, तो उसके साथ ही साथ वहाँ पर उप तहसील मुख्यालयों में भी बैंक की सुविधा होने से वहाँ को जनता को सीधा इसका लाभ मिलेगा। तो वहाँ की जनता, चूंकि ट्राइबल एरिया है, उस क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा बैंकिंग सुविधा होना चाहिए जिससे वहाँ की जनता को ज्यादा लाभ मिले और बैंकों से सीधा लाभ ले रखे। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ पर बस्तर संभाग में अधिकतर विकासखंड मुख्यालय में इसकी व्यवस्था किया जाए, जो जनता की हित की दृष्टि बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।